पड़ी है मुन्ना, ये तेरे भाई को कुछ नहीं होगा मुन्ना, कुछ नहीं होगा मुझे। रहता है,
कि मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं अपने बहन की शादी कैसे करूंगा। लेकिन क्या करूं, मैं भी पढ़ाई बहुत किया, यहां तक कि मैं डॉक्टरी का फार्म भी भर के भेज दिया। मैं यही सोच रहा हूं कि अगर मेरा फार्म मुझे वापस मिल जाएगा तो मैं एक छोटा सा दवा खाना खोल करके अपना गुजर बसर करूंगा। यही मैं अपनी बहन से कहता हूं। तो मेरी बहन क्या कहती है, भैया कि आपके पास पैसा नहीं है, आप कहां से दवा खाना खोलेंगे। तो मेरी बहन कहने लगी, भैया तुम चिंता मत करो, हम तुम मेहनत मजदूरी करेंगे, पैसा इकट्ठा करके एक छोटा सा दवा खाना खोल लेंगे। भैया मैं अपनी बहन की राह देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ अभी तक मेरी बहन खाना लेकर नहीं आई है। मैं करता हूँ आराम करता हूँ, उसके बाद बहन आ जाएगी, दो चार बातें जरूर करूंगा। भैया भैया तुम जानते हो कि घर में मैं अकेला, हाँ भैया मैं कितना काम करूं, काम करते करते थक जाता हूँ, लेकिन पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता। सुबेदार भैया पैसा नहीं इकट्ठा हो पावत है, आप घबरा दें। अगर हम आपसे एक बात कही, आप अगर हमारे बात माना तो आप सुबेदार मेरे भाई, भैया आज का नाम खुदा जाना था, आज का प्रधान जी हरे नरेगा का काम बहुत जोर से चल रहा है। चला जावा आप हम और दीदी के तिनाल जने चले नरेगा में काम करा जाए, तो करे बाद तिनाल जने कमाई के बाद जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो आप खोल ले क्लिनिक, आप खोल ले दवा खाना, आप भैया दो पैसा हो जाएंगे, तो आपको भी आसानी हो जाए और शीला दीदी को भी हो जाए, टेंशन ना रहे भैया, खत्म हो जाए सही टेंशन। ठीक है सुबेदार, लेकिन अभी मेरी बहन शीला नहीं आएगा, बस तो इंतजार करते हैं ना भैया।
भैया क्या बात है भैया, आपके आंखों में आंसू, क्या बात है भैया बताओ। Thank you.
जैसे शराब के ठेकेदार साहब की तरह से चीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। इस समय मैं काम करने जा रहा हूँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहन अपने भी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर हम सब मेहनत मजदूरी करेंगे तो बहन एक दिन मैं दवा खाना जरूर खोल लूंगा। इस समय हमको काम पर जाना है, चलो घर चलते हैं। मुलाकात करते हैं, आगे चलो। आइए।